नमस्कार, आज मैं आपका परिचय भारत की सांस्कृतिक विरासत और वो भी दक्षिण भारत की सांस्कृतिक विरासत, एक त्योहार जो कि इस शरद ऋतु के अवसर पर मनाया जाता है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। गोलू। दक्षिण भारत में शरद ऋतु के त्योहारों के दौरान गुड़ियों और मूर्तियों का उत्सव प्रदर्शन है। खासकर हिंदू धर्म के धर्मावलंबी जो हैं वो नवरात्रि के समय और दशहरा के समय इस परंपरागत त्यौहार का अनुसरण करते हैं और इसमें दरबारी जीवन, शादियां, रोजमर्रा के दृश्यों के छोटे छोटे जो रसोई के बर्तन हैं उनको गोलू, बॉम्बे हब्बा, बोम्मई गोलू या बोम्माला कोलू के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। गोलू प्रदर्शन में प्रदर्शित प्रत्येक वस्तु जो कि गोलू गुड़िया या समकक्ष माना जाता है और पहले ज़माने में आमतौर पर ग्रामीण कारीगरों द्वारा मिट्टी और लकड़ी के सामग्री से इसे बनाया जाता था, फिर चमकीले रंगों से इन्हें रंगा जाता था। और यहाँ जो स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, जो पायदान दिखाई दे रहे हैं, वो विषम संख्या में रखे जाते हैं, 3, 5, 7, 9 या 11। जैसे जैसे आप उसको बढ़ाना चाहते हैं वैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं। गोलू प्रदर्शन के मौसम के दौरान परिवार के लोग, पड़ोस के लोग भी गोलू देखने आते हैं और इस उत्सव में न केवल वो शामिल होते हैं अपितु एक दूसरे के संस्कारों से भी परिचित होते हैं। और इसी गोलू को, जो कि गुड़िया मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक ग्रंथों में दरबारी जीवन, शादियाँ, रथ यात्रा, रोज़मर्रा के काम, गोद भराई, ऐसे बहुत सारे दृश्यों को प्रदर्शित करती हुई लघु रसोई के बर्तनों का भी यहाँ चित्रण आपको दिखाई देगा। और गोलू के बारे में ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जब दुल्हन की शादी होती है तो शादी के दौरान उसके माता पिता के द्वारा शादी में एक मारपाची बोम्मई, जो कि गुड्डा और गुड़िया जो लकड़ी के बने होते हैं, उसे दिया जाता है ताकि वो वधू अपने ससुराल में जाकर इस परंपरा का निर्वहन वहाँ भी करें। और ये जो राजा रानी के प्रतीक के रूप में दिया जाने वाला पट्टद गोम्बे जिसको कहते हैं, ये पट्टद गोम्बे जब होगा तभी जाकर हम इस गोलू उत्सव को मनाएंगे। और ये पट्टद गोम्बे जो है वो ओडियार राजवंश के राजाओं के लिए एक तरह से श्रद्धांजलि भी है, जिन्होंने करीब 600 वर्षों तक इस पूरे क्षेत्र में राज किया। सुबह और शाम आरती होती है और आरती के समय पड़ोस की महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है और वो भजन, गीत, संगीत भी इसके साथ करती हैं। नौवें दिन में सरस्वती जी की विशेष पूजा होती है जिसमें किताबें, संगीत, वाद्य यंत्र ये सारी रखे जाते हैं। इस तरह से यदि गोलू को देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गोलू मनाया जाता है और कर्नाटक में, तमिलनाडु में और कुछ जो हमारे केरल प्रांत हैं उसके भागों में मनाया जाता है। बोम्माला कोलू दक्षिण भारतीय लोकाचार का एक अभिन्न अंग भी बन गया है, खासकर विजयनगर और नायक युग जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तराधिकारी राज्यों में गिना जाता है, वहाँ भी इसे शक्ति के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। राजशाही से यह प्रथा तो जुड़ी हुई है लेकिन यह प्रथा अब जो है वो सामान्य जनजीवन तक भी आ गई है। गोलू का भारत के कृषि और हस्तशिल्प व्यवसायों से भी महत्वपूर्ण संबंध है। त्योहारों के आर्थिक पहलू के अलावा यह सामाजिकता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। इस मौसम में दक्षिण भारत में रिश्तेदार एक दूसरे के घर तो आना जाना करते ही हैं और साथ ही साथ ये जो ज़्यादातर गुड़िया या बोम्मलू या बोम्बे जो हैं ये मदुरई के विलाचेरी में मुख्य रूप से बनाई जाती हैं। और इस तरह से यदि आप देखें तो कर्नाटक में चन्नपटना जो है वो विश्वविख्यात है, जहाँ पर लकड़ी के इस तरीके के जो बोम्बे हैं या जो गुड्डे गुड़िया हैं उनको बनाया जाता है। और हर तरीके से यह त्यौहार न केवल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता हुआ है बल्कि इन पायदानों में आप देख पा रहे हैं कि
रसोई के बर्तन भी रखे हुए हैं, रोजमर्रा जीवन में काम आने वाले वस्तुएं भी रखी हुई हैं, कहीं पर ये नव दुर्गा की मूर्तियां भी रखी हुई हैं जो नौ अलग अलग रूपों में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और ऊपर के दूसरे पायदान पर आपको पट्टदगुंबे दिखाई दे रहे हैं, और पहले पायदान पर आपको कलश भी दिखाई दिया है, और इस कलश के साथ हमारे जो भगवान हैं उनको भी हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरे तरीके से यह दृश्य इस बात का द्योतक भी है कि सबसे पहला पायदान में हम कलश और भगवान को रखते हुए, फिर उसके बाद वहाँ पर राजा रानी को रखते हुए पूरा का पूरा राज दरबार या राजा का जो उसका क्षेत्र होता है उसमें जनता जो जो काम करती है उन सारे कार्यों के साथ साथ रोजमर्रा के जीवन को प्रदर्शित करने का एक अनूठा ये अवसर है। दशहरा के समय पूरे 10 दिनों तक इसे रखा जाता है ताकि इन 10 दिनों तक हम पूरे तरीके से सांस्कृतिक रूप से अपने कला का प्रदर्शन करें, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए एक बहुत ही अनूठी परंपरा यहाँ पर है कि वो अपनी रचनाधर्मिता या रचनात्मकता को भी यहाँ पर आयाम देती हैं। जैसे आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महिलाएं विशेष रूप से इसको रखी रहती हैं, संजो कर रखी रहती हैं, और एक साल के बाद जब दशहरा समाप्त हो जाता है उसके पश्चात इनको फिर रखा जाता है और उसके बाद इनको फिर निकाला जाता है, और ऐसे ही हर वर्ष एक नए थीम को लेकर यह दशहरा उत्सव में जो बुम्बे हब्बा है उसको मनाया जाता है। बगल में आपको दिखाई दे रहा है, पूरी झांकी दिखाई दे रही है जहां माँ दुर्गा जो है वो विराजमान है पर्वत के ऊपर में, और वहां से पानी की धार जो झरना है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है। उस झरने के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक मेला जैसा माहौल या मेला जैसा एक वातावरण आपको दिखाई दे रहा है। आनंद का उत्सव है, लोग इन त्योहारों में एक दूसरे को बधाई देते हैं, उत्सव में शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ में वो न केवल भाईचारा का संबंध रखते हैं अपितु संस्कारों की संस्कृति का भी आदान प्रदान एक दूसरे के द्वारा करते हैं। आज इस नीलानंद में भी मैसूरू दशहरा की एक झांकी प्रस्तुत की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैसूरू का दशहरा विश्व विख्यात है, जो कि अपने दशहरा के दिन प्रोसेशन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, और राज दरबार से निकलती हुई इस जो शोभायमान यात्रा है उसमें सारे सैनिक भी हैं, बहुत सारे जानवर भी हैं, और आप देखिए इसमें हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, फिर पैदल सैनिक हैं, नृत्य करती हुई बालिकाएं हैं, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा दृश्य जो है वो मैसूर के दशहरा को प्रदर्शित करता हुआ है। सैनिक भी खड़े हुए हैं और पीछे में आपको मैसूर का राजमहल जो कि विश्व विख्यात राजमहल है वो भी दिखाई दे रहा है, और यदि आप देखें इस प्रोसेशन के ठीक बाजू में मैसूर का जू भी दिखाई दे रहा है, अजायब घर दिखाई दे रहा है जहाँ पर प्राणियों को वहाँ पर रखा जाता है ताकि वहाँ पर सैलानी जाकर उन प्राणियों को देख सकें और उनकी अनुभूतियों को भी वो जान सकें। ये एक तरीके से रचनात्मकता की एक मैं कहूँ मिसाल है ये कि किस तरीके से जू बनाया गया और एक कल्पना शक्ति को आयाम देते हुए यहाँ पर एक पुलिया भी बनाया गया है और नीचे में पानी भी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी पानी से बहता हुआ आप इधर आते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं जू के बगल में तो आपको यहाँ पर जू के बगल में दिखाई देगा एक रेलवे स्टेशन भी दिखाई देगा, जो रेलवे स्टेशन बनाया गया है वहाँ पर एक जो ट्रेन है वो चलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से यदि देखा जाए तो पूरा का पूरा एक शहर बसाने का प्रयास इस दृश्य के द्वारा न केवल झांकियों के द्वारा किया गया है अपितु यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इस वैश्विक परिवेश में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी धरोहर को हम संजोए रखें, अक्षुण्य बनाए रखें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी तक इसे हम संप्रेषित कर पाएँ उन तक, और हमारी परंपरा जो सनातन परंपरा है सदियों से चली आ रही है इस परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहें, आपसी सौहार्द और सामंजस्य से हम रह सकें और भारत को न केवल समर्थ, सशक्त और सुदृढ़ बना सके बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी हम अपने आप को भी उतना ही
सहृदयता पूर्वक सुदृढ़ बना सकें, ताकि हमारी संस्कृति जो कि सनातन संस्कृति है, इस संस्कृति को यदि आगे बढ़ाना है तो हमें ही उसमें वाहक की भूमिका निभानी होगी। हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी इसे संचरित कर पाएं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और इसीलिए यह दशहरा उत्सव आप सभी के लिए आनंद और मंगलमय शुभकामनाओं के साथ फलित हो, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।